The question is, if both a and b are rational numbers, find the values of a and b in the following equation. तो equation क्या है हमारे पास, 5 plus root 3 upon 7 minus 4 root 3 is equals to 47a plus under root 3b. तो हमें ये a और b की value find करनी है. Left hand side में जो हमारे पास expression है, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे rationalize करना है. राइट, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसे हम कुछ इस फॉर्म में लेके आएंगे, देन तभी हम ए और बी की वैल्यू बता पाएंगे. तो इसके लिए हमें इसे करना होगा रैशनलाइज. तो रैशनलाइज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 4√3 से, यानी कि ये हमारा क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है. राइट, यहाँ पर अब न्यूमरेटर में तो होगी इनकी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में हमारे पास एडिटिविटी अप्लाई हो जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. राइट, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20, रूट थ्री प्लस 7√3, एंड रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49. और 4√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर भी करना है और रूट 3 का स्क्वायर भी करना है. राइट, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नी मिस्टेक कर देंगे, वो यहाँ पे स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट कर देंगे एंड 4 × 3 = 12 लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा. आपको 4 का भी स्क्वायर करना है, रूट 3 का भी करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. राइट, तो अब ये हमारे पास क्या आएगा, देखो 35 + 12 ये हमारे पास हो जाएगा 47, एंड जो लाइक टर्म्स हैं ये इनको भी ऐड करेंगे, 20√3 + 7√3, इट विल बी 27√3 डिवाइडेड बाय 49 - 48. मींस हमारे पास डिनोमिनेटर में तो आ गया 1, तो इट मींस जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन था वो सिंप्लीफाई होकर के इस फॉर्म में आ गया. अब हमें गिवन क्या था कि ये जो वैल्यू है वो 47a + √3b के इक्वल है, इट मींस 47 + 27√3 इक्वल्स है 47a + √3b के, क्योंकि इसे तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया. अब आपको फिर से लाइक टर्म कंपेयर करनी है, इक्वेट करनी है. जैसे कि अब मेरे पास ये कांस्टेंट टर्म, दोनों कांस्टेंट है, एक में रूट थ्री है और एक में नहीं है ना, तो जो रूट थ्री वाली टर्म है उसको तो रूट थ्री वाली से ही कंपेयर करो और 47a को 47 से करो. तो 47 विल बी इक्वल टू 47a, देन a विल बी इक्वल टू 1, 27√3 इज इक्वल टू √3b, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो b आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा. सो वी हैव a इज़ इक्वल्स टू 1 एंड b इज़ इक्वल्स टू 27. दैट इज़ आवर आंसर. थैंक यू.